आप सभी का फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में स्वागत है। तो दोस्तों, फिलहाल हम यहाँ पे स्टेज बाहर आए हैं जहाँ पे भी आज गरबा होने वाला है। तो सब देखिए, मेरे पीछे माता जी दुर्गा माँ का भी पूजा चल रहा है। पूजा के बाद यहाँ पे भी गरबा होगा और आगे आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो आप आखिर तक बने रहिए और मेरे चैनल सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब करिए। सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। जो मातृशक्ति जवारा उठाना चाहती है पंडाल के पास आकर अपना नाम लिखा है, जो पहली बार जवारा उठाएगा उसे प्राथमिकता दी जाएगी। माता रानी की सेवा
प्राथमिकता भी जाएगी माता रानी का सेवा करके सभी को मिलना चाहिए। इस होटल खोलों का समिति चल रहा है और इस होटल से आप सबकी तैयार हो रही है। करवाती है और कई लोगों को प्रोत्साहन भी करवाती है। तो फिलहाल आपको धन्यवाद। ये वीडियो देखने के लिए आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। आज हम लोग आए हैं आंटी से मिलने, तो आज हमें ये बताएंगे कि आज की तैयारी आप लोगों ने कैसे किया था, आप नॉर्थ ईस्ट में क्या क्या करने वाले हैं और आज इवेंट कैसा हुआ। देखिए ऐसा है कि तैयारी की बात बोले तो तैयारी पिछले 15 दिनों से चल रही है जो कि बहुत ही मुश्किलों से बोलना चाहिए हो पाई थी, क्योंकि सभी लेडीज़ हैं जो काम कर रही हैं, कोई बाहर जाने वाली है, तो बहुत मुश्किलों से हम लोग 32 औरतों को इकट्ठा कर पाए और अच्छे से हो गया प्रोग्राम आज का। और आगे भी जो बचा हुआ है 4 दिन वो भी हम कोशिश करेंगे कि सारा अच्छे से हो जाए। आप सभी का धन्यवाद। दोस्तों अभी हम येलो आर्मी से और मिलने वाले हैं मेंबर से, तो आप हमारे साथ बने रहिए आखिरी तक और आपको बहुत मजा आने वाला है। येलो आर्मी जिंदाबाद। आज पंचमी की आरती थी, महाआरती थी, 1 लाख से ऊपर मतलब 1.25 लाख बच्चियों से आरती की गई, 5 आरतियाँ गाई गई, साथ में अस्त्र बाना जो छत्तीसगढ़ की परंपरा है उस बाना को भी हमने माता को चढ़ाया और अन्य शस्त्रों का भी हमने नवनीकरण करके पूजा की। और आज छत्तीसगढ़ में हर गांव-गांव में शस्त्र की पूजा की जाती है, बाना चढ़ाया जाता है, वो क्या बहुत ही अच्छा बहुत ही शानदार पूजा आरती हुई, उसके पश्चात महिला शक्ति के द्वारा बहुत ही अच्छा भक्तिमय नृत्य नाटिका प्रस्तुत की गई, नृत्य प्रस्तुत किया गया, गरबा प्रस्तुत किया गया और बड़ा आनंद आया। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। हमारा येलो आर्मी भी एक दिन केला बांटा था, येलो केला बहुत ही बढ़िया था और आनंद का बहुत अच्छा माहौल था। धन्यवाद।
मिलने वाले हैं, तो वो भी आज हमारे इवेंट के बारे में कुछ शेयर करेंगे। कैसे लग रही है? येलो आर्मी बहुत अच्छा सा कराती है, हम लोग यहाँ पे आते हैं, मिलते हैं, सब मिलते होते हैं, बहुत मज़ा आता है और बढ़िया इवेंट होता है। आज तो बहुत अच्छा हुआ, गरबा हुआ, पंचमी दिन का सब गरबा ड्रेस पहन के आए, बहुत मज़ा आया। धन्यवाद। जैसे आज हम डॉक्टर से मिलने आए हैं, जो हमें बताएंगे आज उनका इवेंट कैसा लगा। आज का ये इवेंट बहुत शानदार गरबा हो रहा है हमारे सेज बाहर में, समिति के द्वारा बहुत शानदार अच्छे तरीके से हो रहा है। हम लोग यहाँ पर पूरे फैमिली के साथ एंजॉय करने आए हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। जय माता दी। यहाँ पे हम कुछ आंटी से मिलने वाले हैं, जो आज बहुत ही शानदार नृत्य किए थे। हम यहाँ चलना जानना चाहते हैं क्या आपको ये कैसा लगा त्यौहार, आपको कैसा लगा? पहले तो सबसे पहले मैं चाहूँगी नवरात्रि की शुभकामनाएं आप सभी को। ये नवरात्रि हर साल आती है हमारे लिए, ये कोई त्यौहार से कम नहीं होता है। हम लोग हर साल इसको बड़े उत्सव के साथ मनाते हैं और 9 दिन पूरा हमारे यहाँ गरबा चलता है। और हमारी एक महिला टीम की खास एक हमारी टीम है, गरबा टीम के नाम से ही है, जो हम लोग स्पेशली गरबा करते हैं। तो हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात है, बहुत सबसे इंतजार रहता है हम लोग। जय माता दी। श्री सार्वजनिक दुर्गा उत्सव समिति हमारे हैं, जो पिछले 9 सालों से हम यहाँ पे संचालित कर रहे हैं। और ये पूरा राष्ट्रीय और देशभक्ति को देखते हुए हम पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ गरबा होता है। पश्चिम सभ्यता को हमने बिल्कुल ठुकराया है। और भी जगह जो शिकायतें आ रही सोशल मीडिया में चल रहा है कि हमारे गरबा को दूषित किया जा रहा है पश्चिम सभ्यता के अनुसार, जींस पैंट और कुछ लॉन्ग ऐसे कपड़े पहन करके जा रहे हैं जो आपत्तिजनक है, लेकिन यहाँ का जो गरबा हो रहा है पश्चिम सभ्यता से बिल्कुल दूर है और भारतीय परम्परा सहित संस्कृति सहित सबका ख्याल करते हुए पारंपरिक गरबा किया जा रहा है। और साथ ही देशभक्ति को बढ़ावा देने के लिए हम बच्चों में जो फैंसी ड्रेस करवा रहे हैं, वेशभूषा करवा रहे हैं भारतीय संस्कृति के अनुसार करवा रहे हैं, जैसे भगत सिंह, झांसी की रानी, कृष्ण भगवान, राधा, महाराणा प्रताप, शिवाजी बनकर हमारे बच्चे आ रहे हैं। हम बच्चों को अपनी संस्कृति दे रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि हम राष्ट्रीयता पर्व को बढ़ावा दें और परंपरा को कायम करके रखें। और इसमें सभी का सहयोग है, पूरे कॉलोनी वासियों का सहयोग है, क्योंकि हम अकेले सफल नहीं हो सकते थे अगर कॉलोनी वासी हमारी मदद नहीं करते। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को नवरात्रि का हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आपके चैनल को भी हम लोग को सब से हार्दिक आभार कि आप यहाँ पहुँचे और हम लोगों की बातों को जन जन तक पहुँचाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। चलो चिराग, सबसे पहले तो मैं तुमको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि तुम बेहद ही हमारे ग्रुप के, हमारे क्लब के सबसे प्यारे बच्चे हो और हमारे रिस्पांस भी हमेशा मिलता है तुम्हारे तरफ से। और क्योंकि तुम्हारे पापा हमारे बहुत ही क्लोज फ्रेंड हैं, आदरणीय हमारे जैन साहब, रायपुर क्लब से हमारे मेंबर हैं साइकिलिंग के, और आज तुम सपरिवार यहाँ पहुँचे हमारे सेज बाहर में, येलो आर्मी के आमंत्रण को स्वीकार किए, उसके लिए थैंक यू सो मच। और जैसा कि मैं बताना चाहूँगा इस ब्लॉग के माध्यम से, चिराग के माध्यम से, कि बेहद उत्सव का माहौल है सेज बहार में। महिलाएं जो हमारी सम्मान्य महिलाएं हैं गरबा करती हैं पूरे जोर शोर से और बहुत ही ज़बरदस्त माहौल है गरबा का और आरती का, माता के आराधना का। सो मैं इस ब्लॉग के माध्यम से पूरे रायपुर को आमंत्रित करना चाहूँगा कि हमारे सेज बार में पहुँचिए। आप सभी को येलो आर्मी का सहयोग, हमारी पूरी टीम का सहयोग जरूर मिलेगा। सो थैंक यू। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं रघु सेज बार से येलो आर्मी के कप्तान के रूप में आपसे बात कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। दोस्तों, आज का ये इवेंट नवरात्रि का बहुत ही शानदार रहा था। सेज बहार में इतना सुंदर गरबा हुआ, इतना सुंदर डांस हुआ, वहाँ की बहुत ही सुंदर दुर्गा माता भी थी, सब सुंदर, बहुत अच्छा रहा। और अगर आपको जैसे ये वीडियो अच्छा लगता तो प्लीज़ हमें जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। तो दोस्तों मेरे पिताजी के, मेरे पिताजी प्रिय मित्र रघु सर, जो मेरे पिताजी को
आमंत्रित किए थे पूरे परिवार के सहित आने के लिए शेष बाहर में, जहाँ शेष बाहर में हमें इतने शानदार इवेंट में जुड़ने का बहुत बड़ा मौका दिए थे और हमें एक अच्छे ना शानदार गरबा में डांस करने का मौका मिला। उससे मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। सो ये शानदार में बहुत ही अच्छा लगा, हम बहुत इंजॉय किए। रघुसर को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को नवरात्रि के बहुत बहुत शुभकामनाएँ।